तहसील में 29 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन नौगावां तहसीलदार आशाराम गुर्जर ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का आयोजन नौगावां तहसील के पीछे स्थित मैदान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नौगावां तहसीलदार व अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीटीआई जगन प्रसाद ने बताया कि कबड्डी व खो खो में महिलाओं को दो दो टीमों में हिस्सा लिया तथा पुरुष कबड्डी में चार टीमों ने भाग लिया, जिसमें महिला टीम ने बालिका विद्यालय नौगावां की लक्ष्मीबाई टीम, पुरुष कबड्डी में ग्रामीण टीम, खो खो महिला में बालिका विद्यालय की अहिल्याबाई टीम विजेता रही। तहसीलदार आशाराम गुर्जर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इन खेलों में हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। लाख लोगों ने खेलों में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाया है। यह अब तक के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है। खेलों की प्रतिभागी सभी मतभेदों से ऊपर उठकर खेल भावनाओं के साथ समाज को और दुनिया को एकता का संदेश देंगे। इनमें कबड्डी, शूटिंग, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, बाल क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आयोजनों में राजस्थान में आपसी भाईचारा, सद्भाव, सहयोग का माहौल होगा। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्यों की कामना की। उद्घाटन समारोह के दौरान तहसीलदार आशाराम गुर्जर, गुलशन पटेल, नरेश जैन, राजेश राठी, सरदार प्रीतम सिंह, तेज सिंह चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया और यहाँ तहसील परिसर की जगह है, उसमें कबड्डी दो विद्यालय है, उनका शुभारंभ किया गया। समस्त ग्रामवासी, पूरा स्टाफ, प्रभारी, सारे बच्चे बुजुर्ग तरीके से सभी के सहयोग से बहुत अच्छा और शानदार जो आयोजन है वो यहाँ मौका माना किया गया है। हाँ, बच्चों से यही है कि अच्छी तरह से खेलें, इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो, खेलों में अपना करियर बनाएं और आगे चल के देश और राष्ट्र का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, बड़े स्तर पर बड़ी अवार्ड लेके आए, यही इन खेलों की मंशा है और इसी उद्देश्य से ये सरकार के द्वारा खेल करवाया जाए।